हेलो दोस्तों शमशेरा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है ट्रेलर से लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं एक यूज़र ने कमेंट किया पहले मैं सिर्फ ब्रह्मास्त्र देखने वाला था लेकिन अब शमशेरा भी जरूर देखने जाऊंगा इससे पता चलता है फिल्म का ट्रेलर सबको बहुत पसंद आया है इस फिल्म में रणबीर कपूर संजय दत्त वानी कपूर आशुतोष राणा और रोनित रॉय नजर आने वाले हैं पहले इस फिल्म का पोस्टर 2018 में रिलीज हुआ था लेकिन कोरोना के चलते अब फिल्म 2022 जुलाई में रिलीज़ होगी फिल्म में आज़ादी से पहले के भारत को दिखाया गया है फिल्म रॉबर यानी डकैतों की स्टोरी पर बेस्ड है ये फिल्म 150 करोड़ के बजट में बनी है और स्टार कास्ट की फीस भी काफ़ी तगड़ी है हम आपको बताते हैं कि किसने कितनी फीस ली मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रणबीर ने इस फिल्म के लिए 20 करोड़ रुपये संजय दत्त ने 8 करोड़ रुपये वानी कपूर ने 5 करोड़ और रोनित रॉय ने 4 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं जहाँ रणबीर कपूर एक शातिर रॉबर है वहीं संजय दत्त एक डेंजरस दरोगा का रोल प्ले कर रहे हैं जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते हैं अब तो फिल्म थिएटर में आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या फिल्म इतनी कमाई कर सकती है कि फिल्म की भरपाई भी कर सके और मुनाफा भी कमा सके आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए और कॉन्ट्रोवर्सी से बड़ी खबरों के लिए हॉट कॉन्ट्रोवर्सी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें